दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राज़ील के एक ऐसे गांव के बारे में जहां जाने पर वहां की धूप आपकी त्वचा को गला सकती है। ब्राज़ील के साओ पालो के इस गांव का नाम है अरारस। ये गांव त्वचा की बहुत ही अजीबोगरीब और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी का नाम ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम है, जिसे XP भी कहा जाता है। वैसे तो ये बीमारी लाखों लोगों में से किसी एक को होती है, लेकिन इस गांव की 3% आबादी इस बीमारी से पीड़ित रहती है। त्वचा की इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए बाहर निकलना किसी सजा से कम नहीं है। धूप में निकलने से सूरज की किरणें इन्हें झुलसा देती हैं। XP बीमारी ज़्यादा संवेदनशील होने पर स्किन कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं, जिस कारण धूप से होने वाले इस नुकसान को सही करना नामुमकिन हो जाता है। धूप के चलते स्किन लाल और रूखी पड़ जाती है, जिससे चेहरा काफ़ी भद्दा दिखने लगता है। अरारस में ज़्यादातर लोग खेती का काम करते हैं और ऐसे में वह धूप में काम करने से बच नहीं सकते। यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास तो धूप में काम करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि स्किन की इस भयानक बीमारी के चलते लोगों की ज़िंदगी दिन ब दिन कठिन होती जा रही है। इस गांव में 800 लोगों में से 20 लोग इस बीमारी का शिकार हैं, यानी 40 लोगों में से एक आदमी इस बीमारी से पीड़ित रहता है। जबकि अमेरिका में ये बीमारी 10 लाख लोगों में से किसी एक को होती है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह अनुवांशिकता बताई जा रही है। इस गांव में रहने वाले जालमा एंटोनियो कई सालों से इस बीमारी से पीड़ित हैं। एंटोनियो एक किसान है, इसलिए उन्हें दिन भर धूप में काम करना पड़ता है और उनकी त्वचा की हालत दिन भर बिगड़ती गई। जब वह 9 साल के थे, तभी उन्हें इस बीमारी के लक्षण नज़र आने लगे। उनका कहना है कि अगर वह खुद को धूप से बचा पाते तो आज हालात कुछ और होते। धूप में उनकी नाक, गाल, होंठ और आंखें सब गलकर बिगड़ चुके थे। इस दौरान उनकी 50 बार सर्जरी हो चुकी है। अब वह खुद को बचाने के लिए एक मास्क और एक टोपी पहनते हैं, जिससे उनकी इस बीमारी को काबू में रखने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। एंटोनियो जैसी हालत गांव के बाकी पीड़ितों को भी है। हालांकि गांव में लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को इसके शुरुआती लक्षणों के बारे में बताया जाता है और उन्हें धूप में कम से कम निकलने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे और साथ ही हमारी तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।